प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेशमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दाल की टिक्की बनाने जा रहे हैं। इसको दाल की दुल्हन भी बोलते हैं। अरहर को अच्छी तरीके से, अरहर की दाल को हम धुल के प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, एक मीडियम साइज टमाटर काट के डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच सरसों तेल भी डाल देंगे, आधा लीटर पानी डाल के तेज आंच में 15 मिनट के लिए रख देंगे। टिक्की बनाने के लिए आटा गूंदना है। आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। टिक्की बनाने के लिए थोड़ा कड़ा आटा रहना चाहिए। आइए तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 5-6 कलियां लहसुन निकाल लेंगे, 2 हरी मिर्च, एक मीडियम साइज प्याज काट लेंगे, आइए हम दाल देखते हैं। दाल हमारी पक चुकी है, ये देखिए। अब इसमें उबला हुआ पानी डालेंगे 1 लीटर, क्योंकि टिक्की बनाने के लिए हमको पतली दाल का प्रयोग करना है। तड़कों में हमने सभी को काट लिया है। ये जीरा, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, प्याज। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब तेल डालेंगे सरसों का। जीरा डालेंगे, लहसुन डाल, प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको ब्राउन करना है। हल्की ब्राउन हो गई है। इसी तरीके इसको चलाना है। तड़का में हमने उबली हुई दाल डाल दिया है। दाल हमारी छौंक गई है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने पहले से भी डाल रखा था। आइए हम गूंधे हुए आटा की टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है। इसको बेल लेनी है पतली पतली, ये देखिए। इसको 4 कोन बनाएंगे। इसको 3 कोन बनाएंगे। इसको 4 कोन बनाएंगे, बना सकते हैं 4 कोन, 3 कोन, 5 कोन। आगे हम 5 कोन की बनाना बताएंगे। सारी लोइयों को हमने बेल लिया है, इससे हमारी टिक्की जल्दी बन जाती है। ये देखिए,
अब पांच कोण की बनाना बताएंगे। ये पांच कोण की बन गई, ये चार कोण पांच कोण की बन गई, ये पांच कोण की बन गई टिक्की हमारी, ये चार कोण की, चार कोण की बन गई। इसी तरीके हम सारी टिक्कियां बना लिए हैं। अब इसको उबलते हुए दाल में डाल देंगे। इसी तरीके हमको डाल देनी है। गैस तेज कर देंगे। पांच मिनट बाद हमारी टिक्की उबलने लगी है। ये देखिए, हमने 5 मिनट के लिए टिक्की को ढक के रख दिया था उबलने के लिए। टिक्की हमारी उबल चुकी है। ये देखिए, टिक्की हमारी पक चुकी। गैस बंद कर देंगे। अब आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।